नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का त्योहार हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार महाशिवरात्रि का त्योहार 18 फरवरी 2023 को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके संग विवाह किया था। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। इसी के साथ ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के पहले अगर किसी को सपने में भगवान शिव से जुड़ी हुई कुछ खास चीजें दिखाई देती हैं, तो ये बहुत ही शुभ होता है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी हैं वो चीजें। नंबर एक, स्वप्न में शिवलिंग देखना शुभ। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर महाशिवरात्रि के त्योहार से पहले अगर आप सपने में खुद को घर के पास बने शिव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करते हुए दिखाई दें, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इस तरह के सपने में भोलेनाथ आपकी सभी तरह की परेशानियों का जल्द दूर करने, आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा बरसाने का संकेत देते हैं। अगर फाल्गुन माह के शिवरात्रि से पहले सपने में बेल पत्र दिखाई दे या फिर सपने में बेल के पेड़ से संबंधित कोई सपना आपको दिखाई देता है, तो ये भी शुभ संकेत है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। नंबर दो, बेलपत्र भगवान को प्रिय। दोस्तों, बेलपत्र की तरह ही रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय होती है। रुद्राक्ष को शिव का अवतार माना जाता है। ऐसे में अगर महाशिवरात्रि के पहले किसी व्यक्ति के सपने में रुद्राक्ष दिखाई दे, ये भी सपना शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब अब से आपके जीवन में चली आ रही सभी तरह की समस्याओं का अंत होने वाला है, साथ ही ग्रह दोषों से मुक्ति मिलने वाली है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को महाशिवरात्रि के पहले सपने में काला शिवलिंग दिखाई दे, तो ये व्यापार में अच्छा मुनाफा और नौकरी में तरक्की पाने का संकेत है। नंबर तीन, नाग देवता। दोस्तों, नाग देवता भगवान शिव के आभूषण है। ऐसे में अगर महाशिवरात्रि के पहले किसी व्यक्ति के सपने में नाग या कोई सांप दिखाई दे, तो ये जीवन में धन वृद्धि का संकेत होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।